हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। गाइस, आज हम बात करेंगे स्पिनर को कैसे खेल सकते हैं। गाइस, अगर आप स्पिनर को अच्छा खेल सकते हैं तो आपकी बैटिंग जो है गाइस एक अच्छे क्लास बैट्समैन में गिनी जाती है। क्यों गाइस, अभी प्रेजेंट टाइम में गाइस क्या है कि स्पिनर का इतना बोलबाला है। अभी प्रेजेंट टाइम में आप IPL देख रहे हैं, कल आपने देखा कि एक सुपर ओवर में दोनों ही टीमों की तरफ से आपको स्पिनर देखने को मिला है। तो इसीलिए गाइस स्पिनर को आज के टाइम में अच्छा खेलना बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्पिनर को कैसे अच्छा खेल सकते हैं, उसके लिए क्या आपको ड्रिल्स करनी होगी। अभी जैसे कि गाइस लॉकडाउन चल रहा है तो क्या घर पर रह के आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। टेनिस की बॉल गाइस इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ, आप भी घर पर रह के टेनिस का बॉल यूज़ कर सकते हैं। और गाइस इसमें आपको कोशिश करनी है हल्के वाला बॉल यूज़ करना है, ज़्यादा भारी वाला बॉल आपको यूज़ नहीं करना है। आप जब जाएंगे तो आपको कोशिश करनी है, आप 20 से 22 25 रुपए का वाला बॉल आता है जो कि हल्का होता है, वही आपको घर पर आकर यूज़ करना है। उसके लिए गाइस आपको करना क्या है, जब आप स्पिनर को खेलेंगे आप बैटिंग करने स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको कोशिश करनी है जाते ही गाइस आपका जो एल्बो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में कोशिश करनी है आपका जो एल्बो है वो एकदम डाउन रहना चाहिए। आपका एल्बो गाइस स्टार्टिंग के 10 से 12 बॉलों पे एकदम डाउन रहना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो गाइस आपका बॉल एयर में जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्यों, वहाँ पे बॉल अच्छा खासा घूम रहा होगा और अच्छा खासा बाउंस भी हो रहा होगा। तो इसलिए कोशिश करना है जितना हो सके बॉडी के करीब खेलना है, क्लोज टू द बॉडी खेलना है। अगर आप दूर से ड्राइव मारने जाएंगे जाते ही स्टार्टिंग में तो वहाँ पे गाइस चांसेस रहते हैं ज़्यादा आउट होने के। स्पिनर को खेलने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जाके आपको स्टार्टिंग में एकदम क्लोज टू द बॉडी, आपको अपने हेड के नीचे कोशिश करना है बॉल को स्टार्टिंग में खेलना है। उसके बाद जब गाइस आप 20 से 22 बॉल खेल लेंगे तो आपको अच्छा बॉल दिखने लगेगा, आपको पता लग जाएगा कि विकेट में बॉल कितना घूम रहा है, कितना बाउंस है। तो फिर आप उसी तरीके से अपनी बैटिंग को एडजस्ट करके बैटिंग को कर सकते हैं। उसके लिए गाइस करना क्या, आपको अगर आपको लगता है कि बॉल पढ़ के अंदर आ रहा है तो आपको अपना ये सामने वाला लाइन हल्का सा ओपन कर लेना है ताकि आप अंदर वाली बॉल को आराम से खेल सकें। जब बॉल अंदर आएगा तो आपको हल्का सा अपना स्टांस ओपन कर लेना है ताकि आप अंदर आने वाली बॉल को आसानी से खेल सकें। बट अगर बॉल घूम रहा है और बाउंस भी अच्छा खासा हो रहा है तो आपको कोशिश करनी है आपको मिडिल और ऑफ का गार्ड लेके खेलना है। क्यों, वहाँ से गाइस कई बार क्या होता है कि बाहर बॉल पड़ता है, वहाँ खेलने चले जाते हैं और बॉल बहुत ज़्यादा घूम जाता है जिसकी वजह से आप स्लिप या कीपर पे आउट हो जाते हैं। उसके लिए गाइस कुछ ड्रिल्स है वो मैं करने वाला हूँ। आपको करना क्या है, जब आपको ऑन साइड में खेलना है तो बॉल आपको ऐसे फेंकवाना है जैसे ऑफ ब्रेक फेंकता है, बट जब आपको ऑफ साइड में खेलना है तो बॉल को आपको ऐसे फेंकवाना है इस तरीके से ताकि आप आसानी से ऑफ स्टंप पे खेल सकें। चलिए गाइस देखते हैं हम लोग कैसे ड्रिल्स कर रहे हैं। अलीसा कहाँ रहा काका, तो गाइस अभी आपने देखा हमने कैसे ये ड्रिल्स किए, आप भी इनको घर पे कर सकते हैं। एक चीज़ और गाइस जो आपको बताना चाहता हूँ, गाइस जब आप बैटिंग करेंगे कोशिश करना है आपको जो आपका सामने वाला लाइन है जिधर बोलोगे आपको उधर इसको ओपन करना है। अगर ऑफ साइड में खेलना है तो ऑफ साइड में ओपन रहेगा, बट अगर आपको ऑन साइड में खेलना है तो ऑन साइड में ओपन रहेगा। जिधर आपको शॉट खेलना है आपका जो पैर है गाइस वो उधर ही ओपन हो जाएगा ताकि आप उस शॉट को आसानी से मार सकें। और गाइस ये ऐसी ड्रिल्स है जिनको आप घर पे कर सकते हैं, बेस्ट ड्रिल है सभी बैट्समैन के लिए। तो चलिए गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।